क्या पोजीशन है वो सब आप लोग को नहीं दिखाया ना इन लोगों को अभी तक कितना काम हुआ है? नहीं व्लॉग में नहीं दिखाया, तो वो भी दिखाते घर का कितना काम। तो फाइनली हम लोग ने गाड़ी ले ली है और हम लोग गाड़ी के अंदर है। हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि आज मेरा बर्थडे है, तो ऐसा था कि रात में बर्थडे कैसे हम ये रश्मिता लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो सबसे पहले आप लोग वो देख लो और मैं बता दूं कि वो देखने के बाद आज हम लोग कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं हमारे, तो उसका भी व्लॉग में आपको आज देखने को मिलेगा। और रश्मिता ने तो सरप्राइज प्लान किया है बर्थडे के लिए और हम लोग बहुत लेट हो गए, हम लोग कार की डिलीवरी एक बजे और 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसके बाद कुछ रश्मिता ने प्लान किया बर्थडे का। तो अभी हम लोग सब लोग तैयार है, देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, ये देखो तो हम लोग सब लोग तैयार है यहाँ पे, तो रंजीत भी यहाँ पे तैयार है, तो ये सारा सामान वगैरह लेके हम लोग रेडी है। तो रश्मिता क्या ऐसा प्लान था जो तूने मुझे मेरे साथ शेयर भी नहीं किया? नहीं करूंगी शेयर, चलो जल्दी। नहीं करेगी मेरे साथ शेयर? नहीं, चलो। तो अभी ऐसा सीन है कि हम लोग चल रहे हैं, सबसे पहला हम लोग कार की डिलीवरी लेते और तब तक आप लोग रात का फुटेज देख लो कि रात में कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मयूरेश भाई भी केक लेके आए थे, सनी भी लाया था, सनी भाई भी केक लेके आए थे, तो वो देख लो आप लोग और उसके बाद में आप लोग को नीचे मिलते मेरी गाड़ी उधर तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, अभी निकल रहे 3 बजे और अब हम लोग ऐसा क्यों भर के निकल रहे हैं आप लोग को बता रहे? लगा नहीं लगा ना क्यों ऐसा भर के निकल रहे? क्योंकि उधर तो हम लोग को कार मिलने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ओला वगैरह कर। चलो हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग एक न्यू कार लेने जा रहे हैं, तो फिर उसकी खुशी बहुत ही ज्यादा है। और बर्थडे की खुशी मुझे थोड़ा कम है क्योंकि बर्थडे तो हर साल आता है, बट कार लेना अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कौन सी कार है, हम लोग ने स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी, चलते और दिखाते। चलो अभी हम लोगों का पेपर वर्क चल रहा है और पेपर वर्क होने के बाद हम लोग डिलीवरी लेंगे गाड़ी की। तो ऑलमोस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, लेकिन वेट करो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी फाइनली आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सी गाड़ी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये देख लो आप लोग। हाँ, वो हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा देंगे, लेकिन पहले आप लोग ये देख लो कौन सी गाड़ी है। तो अभी थोड़ा पूजा वगैरह होगा यहाँ पे, सारा आप लोग को देखने को मिलेगा। सनी भाई इधर है और बाकी हम लोग ने रील्स के लिए वीडियो बना लिया, वो आप लोग को रील्स पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग को निकलना भी है, बट अभी शायद आप लोग को अच्छे से आइडिया आ गया होगा। तो अभी थोड़ा पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं। चलो आप लोगों को पता है कि मेरा बर्थडे है, तो अभी हम लोग ने पूजा वगैरह तो कर लिया है, और तो अभी केक की तरफ से पवन के लिए बर्थडे केक। तो आप सब लोगों को थैंक्स, क्योंकि ये लोगों ने बहुत इनिशिएटिव लिया और ये एक बर्थडे का सरप्राइज भी दिया हमें, जो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो
लोग ने पूजा कर लिया है, तो अभी सर हमको थोड़ा डेमो दे रहे हैं कि कैसे गाड़ी चलाना है, क्या करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और इसका बोनेट वगैरह कुछ डबल स्टिक वगैरह से कुछ स्टार्ट होता है, तो मैंने सोचा देख लेते हैं कैसा क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू टाइम, हाँ ये चार्जिंग के लिए, हाँ चार्जिंग के लिए होता है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा सेकंड ऑफ ऑल, और ये अंदर की तरफ, और ये देख सकते हो कितनी प्यारी दिख रही है। हम लोग ने गाड़ी ले लिया कि नहीं, बट हम लोग साथ में गाड़ी नहीं लेके जा रहे क्योंकि चार्जिंग को दिया 40% चार्ज था, तो हमने बोला कि यार हम लोग तो जा सकते थे, पर मैंने बोला रिक्स नहीं लेना क्योंकि इंस्टॉलेशन वाला 2 दिन बाद आके लगाएगा, तब तक थोड़ा रेंज रहना चाहिए ना थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए। चार्ज होगा और फिर रात को हम आएंगे, फिर लेकर जाएंगे, लेके जाएंगे रात में। और अभी अभी फिलहाल हम लोग हमारे घर पे जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, घर का कैसा पोजीशन है वो सब आप लोग को नहीं दिखाया ना इन लोगों को अभी तक कितना काम हुआ है, नहीं व्लॉग में नहीं दिखाया, तो वो भी दिखाते घर का कितना काम। चलो आप लोगों को मैं काम दिखा देता हूँ कि कितना काम हुआ है। ये देखो अभी थोड़ा फर्नीचर का काम चल रहा है और ये पीओपी वगैरह हो गया। हम लोग कल रात में भी आए थे बट रात में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा था तो हम लोग दिखा नहीं पाए आपको, बाकी काम चल रहा है अंदर। अंकल जी नमस्ते, आप फर्नीचर का करोगे पूरा? ठीक है ठीक है, कर लो। ये लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा और यहाँ पे काम वाम चल रहा है किचन का। तो अभी हम लोग सब ऊपर जाके चेंज करके आ गए हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करने बैठे हम लोग सब लोग, और उसके बाद हम लोग को जाना है 6 बजे ना करीबन, 6 बजे का टाइम था बट 6:30, 7 बज गया है, बट कोई बात नहीं जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रश्मिता ने क्या प्लान किया है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उसने मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, तो जो जैसा होगा आप लोग को दिखाते हैं। मैंने उसको बोला था क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ करने का, लेकिन उसका दिमाग, वो जो भी किया है उसने अपने दिमाग से किया है, क्या किया है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। अब यहाँ पे लेके आइए तो दिखाते हैं क्या कैसा क्या होगा। एहसास की जो जुबान बन गए एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे फाइनली हम लोग का पार्टी वगैरह हो गया। तू कर पाएगी? नहीं ना, मैं करता हूँ। ये ले, ये कैमरा पकड़, कैमरा पकड़ और बता क्या क्या हुआ। अभी हमारा पार्टी वगैरह हो गया और हम आ गए MG के शोरूम में हमारी गाड़ी लेने, जो कि चार्ज हो गया। और ये वाली गाड़ी मेरा भाई लेकर जाएगा और ये पवन और ये मैं चलाऊंगा। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं घर की तरफ, देखते हैं और बाकी पूरा उधर पहुंचने के बाद बताते हैं। चलो हम लोग ने गाड़ी ले ली है और हम लोग गाड़ी के अंदर है और ये बहुत प्यारी लग रही है। और लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और फ्रंट भी काफी अच्छा लग रहा है। अभी 99% चार्ज है क्योंकि सुबह नहीं थी चार्जिंग, तो हम लोग ने सोचा था कि पहले चार्ज लगा देते हैं, पूरा फुल कर देते हैं, उस हिसाब से हम लोग मतलब ठीक है वो सही रहेगा। तो पीछे देखो, पीछे के लोग भी एकदम कंफर्टेबल बैठे हैं, वो वाली गाड़ी इधर बच्चे लोग और हमारी जो पीछे गाड़ी है दूसरी वाली, वो पीछे आ रही है, रंजीत चला के लेके आ रहा है। और अभी 99% है और टोटल 198 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलो पहले घर पहुंच जाते हैं और फिर आप लोग से बातें करते हैं, बाकी मजा तो आ रहा है भाई गाड़ी में।